हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉगर्स, सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो यहाँ पे समर की मम्मी को आ रहा है रोना, क्योंकि उनका बेटा हो गया है ऐसा और ठीक भी नहीं कर रहा पंडित। तो इस बात के लिए वो बैठ के रो रही हैं और यहाँ गुनगुन अपने पापा को बुलाई है उनको चुप कराने के लिए। वाह, क्या सीन चल रहा है घर में। तो ये जो सीन चल रहा है समर की मम्मी, ये सीन आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपके बेटे का जो कंडीशन है ये कंडीशन आपकी बदौलत है। और यहाँ पर ध्रुव की मम्मी को सिर्फ दोष दिया जा रहा है। गुनगुन को तो पूरा सच पता नहीं है, इसे को सिर्फ गुनगुन अपनी सास को ही दोष दे रही है कि ध्रुव की मम्मी के कारण ही ये सब हो रहा है। हाँ, ध्रुव की मम्मी ने आप पंडित को ये कहा है कि समर को ठीक ना किया जाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारा दोष ध्रुव की मम्मी के ऊपर ही डाल दो। समर की मम्मी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, तो गुनगुन भी क्या करे, उसको ये कौन सा पता है क्या सच है। और यहाँ पर गुनगुन के पापा ने तो कह दिया, आप यहाँ पर रहती हैं तो मेरी बेटी मुझे सेफ नज़र आती है, सिक्योर नज़र आती है, मुझे चिंता नहीं होती अपनी बेटी की। वाह, तो वहीं पे बसो, वहीं पे रहो। पर आपको ये चिंता क्यों है कि राधिका आएगी, राधिका के समर को ले जाएगी, राधिका के मुझे बात सुनाएगी। आपका तो मेन मोटिव था समर को अपने मुट्ठी में करना, ताकि राधिका के वश में ना रहे, राधिका की कोई बात ना सुने। अभी आपको ये चिंता हो रहा है राधिका अपने साथ उसको ले जाएगी, तो ले जाएगी, उसका पति है, उसका पति उसके साथ रहेगा कि आपके साथ रहेगा। आप जाओ अपने पति के पास गाँव में, आप अपने पति के पास जाओ, दूसरों के पति के पास बैठ के क्या करोगे। आपको तो अपने पति के पास मन नहीं लगता है, आपको तो मन लग रहा है गुनगुन के पापा के पास, आप उसी के पास ही रहना पसंद करते हो आजकल देखती हूँ। तो आपकी बेटी, आपकी बहू अगर आपके बेटे को लेके चली जाएगी तो क्या गलत करेगी। जहाँ पे बहू रहेगी वहाँ पे ही बेटा रहेगा। अब बेटा का ऐसा कंडीशन है, जब माँ ये सब करते हुए नहीं सोची तो आपकी बहू कम से कम आपके बेटे को सही से तो रखेगी। आपका तो यही सभी में दिन जा रहा है, कभी जादू तो ना करा दो, कभी गुनगुन का पक्ष ले लो, पर ये नहीं कि अच्छी चीज़ें आप करो कि अपनी बेटी को, अपनी मतलब अपनी बहू को, बहू तो बेटी जैसी ही होती है, पर उसको आपने कभी बेटी जैसा माना ही नहीं है। बस शादी करा रहा था, शादी करा दिया, और अभी राधिका लगने लगी है बोझ, राधिका लगने लगी है बदमाश, आपके लिए सब कुछ वो खराब है। बस आपका बेटा आपकी मुट्ठी में होना चाहिए था। तो लो, भगवान ने दे दिया आपके मुट्ठी में बेटे को, ऐसा कर दिया कि बेटा एकदम पूरा आपका पूरा एकदम बर्बाद हो गया। और ये बर्बादी के कारण आप खुद हो, ये जड़ आप खुद हो। अच्छा हुआ आपके संग जो भी हुआ है समर की माँ। तो चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या, और यहाँ पे समर की मम्मी का कितना नौटंकी चलता है। अब पंडित तो है ही लालची, देखते हैं पंडित ठीक करता है कि नहीं समर को। तो इसमें आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अंधेरा बेटा सामने आओ।